हे गाइस व्हाट्स अप। तो मेरा नाम है उदय सिंह रावत और मैं रहता हूँ जापान में, पर भाई ये तुम्हारा भारतीया। और आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है कि मैं जापान क्यों आया। तो डे वन से लोग मेरे से एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई तुम जापान क्यों गए, जापान क्यों गए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आज बता सकूँ कि मैं जापान क्यों आया हूँ और मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं। और ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, बट हाँ आपको वीकली इस चैनल पे वीडियोस मिलती रहेंगी जापान के बारे में। और चलो मैं बताता हूँ कि मैं कैसे इधर आ गया। तो बात ऐसी है कि मैं जापान आया नहीं हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। हाँ तो लोगों के साथ क्या होता है, लोग बोलते हैं कि मुझे ट्रेडिशन यहाँ का बहुत पसंद था, मुझे यहाँ का कल्चर बहुत पसंद था, मुझे यहाँ का ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इधर आया हूँ। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, मैं कभी गौर भी नहीं करता था इस चीज़ पे। मेरा मेन रीज़न जो है जापान आने का वो थे मेरे पापा जी। मेरे पापा जी यहाँ पे अराउंड 17-18 साल से हैं और मेरे बड़े भैया भी यहीं पे रहते हैं, और मेरे पापा चाहते थे मैं इधर आऊँ और उनकी काम में हेल्प करूँ, तो इसलिए मैं इधर आ गया। वरना ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं इधर आऊँगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मेरे को लगभग 3 साल होने वाला है इधर जापान में, और मैं इधर आया था डिपेंडेंट वीज़ा पे। डिपेंडेंट वीज़ा मैं आया था बट मेरी उम्र थी 20 साल। वैसे डिपेंडेंट वीज़ा 18 साल से पहले मिलता है, पर मैं डिपेंडेंट वीज़ा पे आया था 20 साल में। मेरे पापा ने बोला था कि 100 में से सिर्फ 1-2% लोग हैं जिनको डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है 20 साल की उम्र में, और तू उनमें से एक है। तो आई थिंक मैं थोड़ा लकी हूँ। मैं जब मैं इंडिया में था तो मैं अपना यूनिवर्सिटी जाता था, मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा था एक्चुअली। अब मेरे को पता होता मुझे यहाँ आना है तो मैं जापनीज़ लैंग्वेज कोर्स करके आता, बट मुझे पता नहीं था, ये अचानक से ही हुआ। और जब मैं नया नया इधर आया था तो मेरे को बहुत अजीब लगता था इधर, क्योंकि लैंग्वेज आती नहीं थी, अभी तक नहीं आती वैसे तो। सर दर्द होते हैं यार पढ़ के, मैं हैंगर बढ़ाने जाता अपने से। बट हाँ स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगता था, सामान वामान लेने में भी आफत आती थी, क्या है क्या सीन है। बट तो इंडिया में तो मैं फुल दोस्ती वाला लड़का था, दोस्त यार बहुत थे मेरे, रोज़ दोस्तों के साथ रहना था अपना। और मैं इधर अचानक से आया तो इधर कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से मेरे को लैंग्वेज नहीं आती इधर, बड़ी परेशानी होती थी यार ये। बट हाँ कि अब दोस्त यार तो काफ़ी हैं और धीरे धीरे करके जगह भी अच्छी लगने लगी मेरे को। स्टार्टिंग का 1 साल तो मैंने सोचा कि कहाँ फंस गया मैं, बट अभी तो सही लगता है, अभी मतलब ठीक है। तो ऐसे ही होता है कि कहीं भी तुम नई जगह जाओ तो थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट धीरे धीरे करके बात बन जाती है। ओके तो इस वीडियो में बस इतना ही, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। और बस क्या है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।